Yesterday we discussed about the term isotopes. So isotopes, they are the atoms of same elements which are having same Z with same atomic number but different mass number. Z is the atomic number. And they are having different A, where the A is the atomic mass, or you can say the mass number. Okay? So atoms hain, same element ke again. The definition is very, very important. Agar aap incomplete definition likhoge, theek hai, to marks will not be given to you. Atoms of same element. This term same element is very, very important kyunki hum yahan par ek hi element ki baat kar rahe hain. Aur us ek hi element ke different different atoms jo hain, wo exist kar rahe hain, jinka same atomic number hai, but unka jo mass number hai, that is different. Okay? So in this context, we did the example of hydrogen. जहां पर हमने हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स बताए. वी डिस्कस्ड अबाउट क्लोरीन आल्सो. क्लोरीन के तीन दो आइसोटोप्स थे, 35 एंड 37. ओके, वी डिस्कस्ड अबाउट द आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन, 16, 17 एंड 18. ओके, also we discussed about the isotopes of carbon, 12 and 14. Okay, so when we are having different isotopes of a particular species, so kai bari hame kya karna padta hai, we have to take the average of the atomic mass. Okay, so in case of chlorine, you know its mass number is 35.5, राइट. क्लोरीन के केस में आपने देखा होगा कि जो इसका मास नंबर है, डेट इज 35.5, राइट. व्हाई इट इज सो, इसका ऐसा मास नंबर जो है वो क्यों है, राइट. तो यहाँ पर क्या होता है, द पॉइंट्स और द फ्रैक्शनल वैल्यूज ऑफ द एटॉमिक मासेस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द एलिमेंट इट बेसिकली एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ आइसोटोप्स. ठीक है, तो यहाँ पर क्लोरीन के जो आपके दो आइसोटोप्स हैं, एक 35 है और एक 37 है, तो हम इन दोनों का कलेक्टिवली एवरेज एटॉमिक मास जो है वो कैलकुलेट करते हैं. ओके, सो इफ वी से व्हाट विल बी द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, तो समटाइम्स वी हैव टू टेक द एवरेज ऑफ बोथ द आइसोटोप्स. तो कई बार ये एटॉमिक मास जो है, ओके, कई बार ये एटॉमिक मास जो है वो डिपेंड करेगा दोनों आइसोटोप्स की अक्रेंस के ऊपर. सो इफ आई टॉक अबाउट द अक्रेंस ऑफ दिस आइसोटोप इन 3:1 रेशियो, तो आपको पता है कि हम एवरेज, किसी भी चीज का एवरेज जो है वो हम कैसे लेते हैं. सी, एटॉमिक मास है तो मैं इसका मास लूंगी 35. कितनी परसेंटेज से ये अकर कर रहा है, 3:1 से, प्लस 37, इट इज अकरिंग बाय द रेशियो ऑफ 1 डिवाइडेड बाय, ठीक है, हमने इसको डिवाइड करना होता है इस रेशियो के साथ. तो डोंट वरी, ये हम यहाँ पर सारे इसके न्यूमेरिकल्स हैं, तो जब मैं न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी आपको, तो वहां पर हम आपको सारा ये सिखाएंगे, ठीक है. बट राइट नाउ वी हैव स्टार्टेड विद द कंसेप्ट ऑफ आइसोटोप्स. तो यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि क्लोरीन का आप मास जो है वो 35.5 कैसे लिखते हो. सो व्हेन यू आर गोइंग टू सॉल्व इट, इट इज गोइंग टू गिव यू 142/4. हमने इसके न्यूमेरिकल्स भी करने हैं, तो न्यूमेरिकल्स में आपको परफेक्ट बताऊंगी कि हमने कैसे करना है. ओके, बट राइट नाउ व्हाट यू हैव टू सी हेयर इज कि हमने दोनों के एटॉमिक मासेस लेने हैं, आपके पास उनकी रेशियोज पता होनी चाहिए, ठीक है. फर्स्ट वाले का एटॉमिक मास उसको फर्स्ट वाली रेशियो के साथ, सेकेंड वाले का एटॉमिक मास उसको सेकेंड रेशियो के साथ, एंड यू हैव टू डिवाइड देम विद द रेशियोस, ठीक है. तो उन रेशियोस को ऐड कर दो और उसको कर दो डिवाइड. ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एवरेज एटॉमिक मास, वेयर वी हैव टू टेक
the average atomic mass of some of the elements because of their existence in the form of the isotopes. तो जब आपकी चीजें isotopes की form में exist करती हैं तो वहां पर हमें कई बार उनका average भी लेना पड़ता है atomic masses का. Okay? Because they occur naturally, ये naturally occur करते हैं और ये isotopic forms जो हैं वो एक दूसरे का mixtures भी जो हैं वो कई बार exist करती हैं. Okay? So in that case we can't simply consider only one single element. How we have done this, it will be elaborated to you when you will be doing the numericals of this average atomic mass. But simply what you have to remember here is that you have to take the atomic mass of both the elements, jitne bhi diye honge 1, 2, 3, 4, aur unki aapko chahiye ratios. तो फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक मास उसको उसकी रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करो, प्लस सेकंड एलिमेंट उसको उसकी सेकंड रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करो, एंड यू हैव टू ऐड देम बोथ, एंड देन यू हैव टू डिवाइड देम विद द दिस सम ऑफ द रेशियो दैट विल बी गिवन टू यू. ये रेशियो हमेशा आपको गिवन होगी, ये भी गिवन होंगे और ये भी गिवन होंगे, आपने सिर्फ उनको मल्टीप्लाई करके ऐड करना है. ठीक है? So in each and every numerical we will be doing this. These both things will be given to you. You just simply have to multiply them and add them. That's it. Okay? Is this clear? हाँ जी clear है बेटा यहाँ तक. So chlorine का आप atomic mass 35.5 क्यों लेते हो? तो वो इसीलिए लेते हैं क्योंकि chlorine जो है वो अपनी isotopic forms के mixtures में exist करता है. And when it comes to the isotopic forms, then we will be considering the average of all the isotopic forms. Okay? तो इस केस में हमें क्या लेना पड़ेगा? उनका average atomic mass लेना पड़ता है. Right? Now coming to the very important applications of isotopes. So isotope, isobars का topic very very important, plus applications also. So applications of these isotopes. Applications में हम mainly इनका usage बताते हैं कि कहाँ पर हम इनको practically apply कर रहे हैं. Where we are applying this concept of isotopes. So you know the isotopes of uranium. ठीक है? आपको पता है uranium जो है वो nuclear reactors में use होते हैं. ठीक है? So the isotopes of uranium they are used in the nuclear reactors. जहाँ पर जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं उनमें हम इनको क्या करवाते हैं? रिएक्ट करवाते हैं यूरेनियम के आइसोटोप को इन ऑर्डर टू इनिशिएट द न्यूक्लियर रिएक्शंस. ओके? हाँ जी क्लियर. सो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में वी यूज यूरेनियम और यू कैन से आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम. आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम आर यूज्ड in the nuclear reactors. So this is the first application. The second application is carbon dating. The second application is the carbon dating. So here what do you mean by carbon dating? Here is we have to determine the age of the fossil fuels. Okay, fossil मतलब बहुत पुराने जो आपके plants, animals या उनके remains होते हैं, या बहुत पुराने आपके जो rocks होते हैं, कई बार हमें उनकी age जो है वो estimate करनी पड़ती है. Okay, तो age estimation का मतलब क्या है कि यहाँ पर हम उनका carbon का content जो है वो actually देख रहे हैं, the amount of carbon that is present. Okay, किसमें? Fossils में. Fossils they are the dead remains of plants and animals. या कई बारी हमें जो rocks होते हैं, okay? The rocks we have to determine their age. तो उनकी age determine करने के लिए we apply this phenomena of carbon dating, where we will be using some of the radio isotopes. तो इसमें भी हम कुछ radio isotopes जो हैं वो use करते हैं.
जो इन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स में या इन रॉक्स में जो कार्बन का अमाउंट है वो डिटरमिन करने में हेल्प करते हैं, और उससे हम ये एस्टिमेट करते हैं कि इन फॉसिल की जो एज है वो कितनी हो सकती है. ओके, यू मस्ट बी नोइंग अबाउट द डिस्कवरीज की इतने साल पुरानी थी, वो उतने साल पुरानी थी. ठीक है, सो ऑल दी स्टडीज दे आर बेस्ड ऑन दिस कार्बन डेटिंग फिनोमिना वेयर वी विल बी यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ आइसोटोप्स. द थर्ड इज इन ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस. So you can say that these isotopes, they are actually having a lot of applications in agriculture, industries, medicinal, right? So the third is they are used in the treatment of diseases. So the main phenomena here we will be using is the radiotherapies. तो हम यहाँ पर actually क्या use करते हैं? Radiotherapies use करते हैं. Where these isotopic elements they will be used. ठीक है? तो radiotherapies में हम क्या करते हैं? इन isotopic elements को use करते हैं. For example, cobalt is used for the cobalt 60. It is used for the treatment of tumorous cancers. So this can be asked to you, ठीक है? कि tumorous cancers को treat करने के लिए आप क्या use करते हो? तो cobalt 60 जो है वो हम use करते हैं. 60 is the isotopic, ठीक है? Cobalt हमने वो लेना है जिसका atomic mass क्या है? 60 है. Iron 59. It is used for the treatment of anemia. It is used for the treatment of anemia. Iron 59. Okay. Next is phosphorus 32. Phosphorus 32, it will be used for the treatment of blood cancers. जिसको आप ल्यूकीमिया भी कहते हो. ओके, सो दैट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर, राइट? आयोडीन 131. आयोडीन से मेनली आपको पता है कि जो गॉइटर की प्रॉब्लम होती है, गॉइटर डिजीज, सो इट इज यूज्ड फॉर द क्योर ऑफ द थायराइड ग्लैंड. ओके, सो दैट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ thyroid gland. You know, if thyroid gland will not work properly, then it is going to cause a disease called goiter. ठीक है, तो आप simply भी लिख सकते हो कि goiter को cure करने में ये help करता है. In case of goiter, the person will be having big and bulging throat. So this is the third use, right? Fourth use is the tracer techniques. Fourth use is the tracer technique. So tracer technique, it is mainly employed keeping in mind its medical importance. ठीक है, तो हम यहाँ पर medical importance देखेंगे इसकी, कि medically ये कैसे important है. So tracer techniques में क्या होता है, हमने trace करना है, locate करना है. ठीक है, what is the meaning of tracer here is we have to trace something, we have to locate something. And this is actually applicable for the inner part or the functioning inside the body. ठीक है, body के अंदर की functioning हम देखेंगे. Sometimes you know, if a person has internal wound, internal bleeding हो चुकी है, internal wound है body के अंदर, ठीक है, that can't be located easily. तो यहाँ पर क्या किया जाता है, radioactive isotopes जो हैं, वो person के अंदर inject किए जाते हैं. And with the movement of that radioactive isotope, जो person है उसके body parts को examine किया जाता है. Okay, और if you want to see कि जो blood है वो specifically सारे body parts में जा रहा है या कहाँ पर रुका हुआ है, कहीं पे clot है, तो इन radioactive elements को blood में inject किया जाता है. Okay, and during this part, okay, during this whole procedure,
द रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज ट्रेस्ड, उसको ट्रेस किया जाता है, उसको लोकेट किया जाता है. ओके, एंड इन दिस वे द ट्रेसर टेक्निक इज डन इन द मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, इज दिस क्लियर? तो ये मेडिसिनल है, सर्जरी है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और नॉर्मल केमिस्ट्री, उसमें भी सारी ट्रेसर टेक्निक्स जो हैं वो आपकी यूज की जाते हैं. ओके, तो मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो, सर्जरी पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके, कई बार सर्जरीज के दौरान भी आपको देखना पड़ता है, राइट? मेडिसिनल है, सर्जरी है, एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू, इंडस्ट्रीज में. ओके, सो इन ऑल दीज केसेस द ट्रेसर टेक्निक्स दे आर यूज्ड वेयर द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स दे आर ट्रेस्ड. ठीक है जी, इज दिस क्लियर टिल नाउ? यहां तक क्लियर हो गया सबको? चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट. नाउ आफ्टर आइसोटोप्स द नेक्स्ट थिंग इज आइसोबार. तो हमने आइसोटोप्स पढ़ लिए हैं, अब आइसोटोप्स के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज आइसोबार्स. आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक है? तो हम यहाँ पर सिमिलैरिटी ही एस्टेब्लिश कर रहे हैं एलिमेंट्स के बीच में, ठीक है? सो अगेन आइसोबार्स दे आर दी एटम्स ऑफ, जब मैंने आइसोटोप की डेफिनेशन लिखी थी तो उसमें मैंने लिखा था कि दीज आर दी एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, बट हेयर दीज आर दी एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. देखो दोनों की डेफिनेशन में डिफरेंस आ गया. अब अगर आप ये चीजें नहीं लिख रहे हो, सेम एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट, योर डेफिनेशन विल बी इनकम्प्लीट इटसेल्फ. ओके, सो वो जो थे वो सेम एलिमेंट्स के थे, अब ये जो है वो डिफरेंट एलिमेंट से बने हुए हैं. एंड दे आर हैविंग सेम ए. अब इनके केस में जो ए है वो सेम है, राइट? दे आर हैविंग द सेम ए. ए इज मास नंबर. अब मास नंबर सेम हो गया है तो क्या डिफरेंट हो जाएगा फिर? एटॉमिक नंबर. बट दे विल बी हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर, दैट इज डिफरेंट जेड. ओके, अब अगर जेड डिफरेंट हो गया है, इफ द जेड इज डिफरेंट देन दैट मीन्स प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स दे विल बी सेम. यही होगा ना, अगर सपोज सी, अब यहां पर जो आपके प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दो एलिमेंट्स ले लिए मैंने ए एंड बी, तो दोनों के जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे वो भी अलग हो जाएंगे, ठीक है? दे विल बी क्वाइट डिफरेंट. अगर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपके डिफरेंट हो गए हैं, ओके, सो कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपका ए है, ए माइनस जेड बी जो है वो भी डिफरेंट हो जाएगा. ए विल बी डिफरेंट, नॉट ए, न्यूट्रॉन्स विल बी डिफरेंट, ठीक है? तो यहां पर हम क्या कहते हैं कि कोई भी चीज जो है वो सेम नहीं होगी. आपके न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ठीक है, दे ऑल विल बी डिफरेंट. जैसे आप आइसोटोप्स में कह रहे थे कि आइसोटोप्स के केस में जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सबके सेम होंगे, सबके. अगर सपोज मेरे पास ये तीन आइसोबार्स हैं तो इन सबके देखो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सबके डिफरेंट होंगे, बट दैट वाज नॉट इन द केस ऑफ आइसोटोप्स, वेयर वी सेड दैट इफ वी आर टेकिंग द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, तो इन सब आइसोटोप्स में ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये जो प्रोटॉन्स हैं दे विल बी सेम. ओके, तो इन तीनों के इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स जो थे वो सेम थे, बट यहां पर इन तीनों के जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होंगे दे विल बी डिफरेंट, राइट? और मैंने आपको कल ही बताया था कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे आर एक्चुअली द मेन एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट डिटरमिन्स द केमिकल प्रॉपर्टीज. किसी भी सब्सटेंस की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं? उसके इलेक्ट्रॉन्स पे. अब अगर तीनों के इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट हो गए हैं तो दैट मीन्स तीनों की जो प्रॉपर्टीज होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज, वो केमिकली कैसे बिहेव करेंगे? They will be different.
जहां पर आपने आइसोटोप्स में ये कहा था कि इन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, क्यों? क्योंकि इन सब के इलेक्ट्रॉन्स सेम हैं, बट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट हो गए तीनों के, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी जो हैं वो क्या हो जाएंगी, डिफरेंट हो जाएगी. सो ऑल दीज थ्री एलिमेंट दे विल बी बिहेविंग इन अ डिफरेंट वे. हाँ जी, इज दिस क्लियर बेटा? यहां तक समझ आया है कि नहीं? हाँ जी, ठीक है. तो यहां पर हम एग्जांपल्स लेते हैं अब डिफरेंट डिफरेंट आइसोबार्स की. सो वी आर हैविंग द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ आइसोबार्स. देखो, अब मैंने तीन डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स लिखे हैं. एक मैंने लिखा है आर्गन, दूसरा मैंने लिखा है पोटेशियम और तीसरा मैंने लिखा है कैल्शियम. कैन यू सी? ठीक है, अब इन तीनों के हमने क्या सेम लिखने हैं? ए. दैट मींस ये सेम होना चाहिए सबका, तो दे विल बी सेम 40 सबके. अगर किसी का 39 पॉइंट समथिंग है तो मैंने उसको राउंड अप करके 40 लिख दिया होगा बेटा. ठीक है, अब नेक्स्ट दे शुड बी हैविंग डिफरेंट जेड. अब सबके जो जेड है वो डिफरेंट है, तो जेड ऑब्वियसली डिफरेंट है सबके. 18 आर्गन का है, 19 जो है वो पोटेशियम का है और 20 जो है वो कैल्शियम का है. सो दिस इज वन आइसोटोपिक आइसोबार पेयर. तो आप आर्गन पोटेशियम का ले सकते हो, पोटेशियम कैल्शियम का ले सकते हो. ठीक है, आर्गन कैल्शियम का ले सकते हो. सो दे ऑल विल बी फॉर्मिंग एन आइसोबार्स. Similarly, you can take the example, another example you can take for the nitrogen and carbon. तो यहाँ पर मैं कार्बन का कौन सा आइसोटोप ले रही हूँ? 14 आइसोटोप. If you remember, मैंने आपको कल करवाया था, अभी भी लिखा था कार्बन का 12 and 14 आइसोटोप I have written. ठीक है, मैंने 12 और 14 आइसोटोप लिखा था, तो उसमें से मैं कार्बन 14 का आइसोटोप ले रही हूँ. That is in accordance with the isobaric relation with the nitrogen. तो आप देखो दोनों के केस में ये जो A है it is same, but they are having Z different. अब जो next चीज मैंने आपको बताई है, let's see how many electrons, protons and neutrons they are having. इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स 18 है, इसके केस में 19 है और इसके केस में 20 है. इफ आई वांट टू नो अबाउट द न्यूट्रॉन्स इट विल बी 14 माइनस 18, इट विल बी 40 माइनस 19, इट विल बी 40 माइनस 20. तो इसके केस में 20 है, इसके केस में 19 है और इसके केस में, ठीक है जी. हाँ जी, क्लियर है? आर्गन के केस में 22 है, दैट विल बी 21. सो 20, 21 एंड 22. तो देख सकते हो आप, अगर मैं तीनों के इलेक्ट्रॉन्स देखूं तो डिफरेंट है. इसका 18 है, इसका 19 है, इसका 20 है. और अगर मैं तीनों के न्यूट्रॉन्स देखूं तो वो भी डिफरेंट है. 22 है, इसका 21 है, इसका 20 है. ओके, और ये एलिमेंट्स भी डिफरेंट है. ये एलिमेंट्स भी मैंने सेम नहीं लिए हैं, तीनों के तीनों एलिमेंट्स डिफरेंट है. सेम यू कैन कैलकुलेट फॉर दैट. ठीक है, इन द सेम वे यू कैन कैलकुलेट फॉर द नाइट्रोजन एंड कार्बन. तो ऐसे पेपर में आपको कुछ एलिमेंट्स पूछे जाएंगे, आपने बताना है कि उसमें से कौन से आइसोबार्स हैं, कौन से आइसोटोप्स हैं. ओके, नाउ विद दिस योर चैप्टर इज कंप्लीट, बट स्टिल वी आर लेफ्ट विद सम ऑफ द न्यूमेरिकल पार्ट. एवरेज एटॉमिक मास के हमने न्यूमेरिकल्स करने हैं और आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स के कुछ और एग्जाम्पल्स करनी है. ओके, सो लेट्स डू सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स. फर्स्टली तो मैं यहाँ पर कुछ पेयर्स लिखूंगी, आपने मुझे बताना है कि उन पेयर्स में से आइसोटोप्स कौन से हैं और आइसोबार्स कौन से हैं. डू रिमेम्बर, सेम एलिमेंट है तो आइसोटोप्स हैं, डिफरेंट एलिमेंट है तो आइसोबार्स हैं. तो वैसे ही पता चल जाएगा आपको. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई भी उसमें से रिलेशन ना गिवन हो. ठीक है, सो यू हैव टू कैलकुलेट दैट आल्सो, कि सारी की सारी कंडीशंस जो है वो मेट होनी चाहिए. सो आई एम गोइंग टू राइट सम ऑफ द पेयर्स, यू हैव टू गिव मी द आंसर.
22 दिस इज 10 एंड 11, तो ये मैंने पेयर लिख रही हूं मैं कुछ. सो लेट्स राइट डाउन द नेक्स्ट पेयर ऑफ यूरेनियम. सो दैट इज 235 विद 92, दैट इज 238 विद 92. That is 29, that is 28, 14 and 40. Okay, तो आपने ये पांच pairs मैंने आपके सामने लिखे हैं. You have to tell me. Yes, Aparan. Ma'am, the first one is isotopes. The first one is isotope because it is going the conditions of Z same है, but A different है. Okay, so they are the pairs of isotopes. Very good. हाँ जी रमनी. यस मैम. सेकंड इज आइसोबार. सेकंड इज आइसोबार. यू कैन सी द बोथ आर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स बट दे आर हैविंग ए सेम एंड डिफरेंट जेड, सो दे आर द आइसोबार्स. वेरी गुड. यस दिया. मैम दे आर आइसोटोप्स. द थर्ड पेयर इज आइसोटोप्स. तो आपको यहाँ पर और एग्जाम्पल्स मिल जाती हैं आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स की. ठीक है, तो आप मैक्सिमम एग्जाम्पल्स कवर कर सकते हो. आप देखो इनके केस में जो जेड है डेट इज सेम बट दे आर हैविंग ए डिफरेंट, सो इट फॉर्म्स द पेयर ऑफ आइसोटोप्स. यस दलजीत. मैम फोर्थ इज आइसोबार. फोर्थ वन इज आइसोबार. यू कैन सी डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और इनका ए सेम है बट जेड जो है वो डिफरेंट है, सो दे आर द आइसोबार्स. ओके. यस धीरेन. यस मैम. मैम फिफ्थ इज आइसोटोप. द फिफ्थ वन इज आइसोटोप. अगेन दे आर हैविंग सेम जेड, एलिमेंट्स भी सेम है. देखो दोनों में सिलिकॉन है, तो हमने बस ये देखना है कि आइसोटोप्स के केस में एक तो एलिमेंट्स सेम होने चाहिए और दूसरा उनका जेड सेम होना चाहिए. ये दो कंडीशंस हैं फॉर द आइसोटोप्स. एंड फॉर द आइसोबार्स द बोथ एलिमेंट्स ये शुड बी डिफरेंट डिफरेंट. ओके, एंड दे शुड बी हैविंग द सेम ए. इज दिस क्लियर? नाउ यू हैव टू गिव मी द एग्जांपल्स. So there is one table you have to complete that. I'll be writing the values. Firstly, I'll be writing Z, then A, then neutrons, then protons, electrons, and you have to name the species also. So Z and Z nahi given hai. This is 2, 1, this is not, and 0, 1, 1. Chaliye. This is the table that you have to complete and you have to give me the answers. Ji, yes, Diya. Ma'am, it is deuterium. It is deuterium. Very good. Atomic number kya hoga beta iska? Ma'am, 1. It will be 1. Very good. Z will be 1. Neutrons? 2. 2 माइनस 1, ए माइनस जेड करेंगे ना हम, इट विल बी 2 माइनस 1, दैट इज 1. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी मैम 1. इलेक्ट्रॉन्स भी 1 होंगे क्योंकि प्रोटॉन्स 1 है. अब देखो इट इज लाइक दिस, सम स्पीशीज लाइक दिस. ठीक है, अब मुझे पता है कि प्रोटॉन 1 वाला तो हाइड्रोजन होता है. ओके, बट यहां पर हम हाइड्रोजन का क्या ले रहे हैं, आइसोटोप ले रहे हैं, दैट इज हैविंग द एटॉमिक मास 2, सो दैट विल बी ड्यूटेरियम. एंड नेक्स्ट नीचे वाला मैम प्रोटियम, दैट विल बी प्रोटियम. ठीक है, दैट विल बी प्रोटियम. देखिए ओके चलिए,